What's up guys, Asif here. Once again, welcome back to our channel. कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने 52 चाइनीज एप्लीकेशंस अनइंस्टॉल करने को कहा गया था, लेकिन उन 52 चाइनीज ऐप में से कोई तो एप्लीकेशन आपका फेवरेट एप्लीकेशन होगा, तो उसके बदले में कुछ अच्छा सा एप्लीकेशन ढूंढ के कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सेम यूज होगा लेकिन चाइनीज एप्लीकेशन नहीं होगा, तो अल्टरनेटिव एप्लीकेशन कैसे ढूंढ के इंस्टॉल किया जाता है, तो उसके लिए काफ़ी कमाल का एक एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना और कैसे यूज़ किया जाता है आगे देखते हैं। तो उससे पहले वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिलीव नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। फिलहाल ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, कब तक रहेगा पता नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन का लिंक फॉलो करें, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओपन में क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद उसके बाद आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया हुआ सभी चाइनीज एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा। तो इनमें से जो भी एप्लीकेशन आप रिप्लेस करना चाहते हो, उस एप्लीकेशन के राइट साइड में रिप्लेस नाम का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टिकटॉक का अल्टरनेटिव एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, डब स्मैश, थ्रिलर, फनमेट, इस तरह 5 अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है, इसमें से जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दूसरा एप्लीकेशन भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैं कैम स्कैनर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर देता हूँ। तो कैम स्कैनर का भी 5 अल्टरनेटिव एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैम स्कैनर का राइट साइड में आपको रिमूव ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे टैप करके एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अडोब स्कैन, स्कैन प्रो, कई सारे एप्लीकेशन है यहाँ पे। मैं अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका राइट साइड में इंस्टॉल बटन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे टैप करना है, डायरेक्ट प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, यहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह हर एक चाइनीज एप्लीकेशन के अल्टरनेटिव एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जूम का अल्टरनेटिव एप्लीकेशन देख लेता हूँ। तो जूम में भी आपको यहाँ पे जूम के बदले आप स्काइप यूज़ कर सकते हैं, गूगल मीट यूज़ कर सकते हैं। गूगल मीट में आप एक साथ 250 लोगों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। जो भी चाइनीज एप्लीकेशन आप रिप्लेस करना चाहते हो, यहाँ से एप्लीकेशन को रिमूव करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।